Hello, assalamualaikum guys. How are you? Hope you are doing well and stay safe at home. So welcome to our YouTube channel. So आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं, आज मैं आपसे शेयर करूँगा अपनी मॉर्निंग रूटीन। और अभी हम लोग जा रहे हैं पार्क जॉगिंग करने के लिए। मैंने अपना ट्रैक सूट पहन लिया है, आप देख सकते हैं। तो अयूब पार्क मेरे घर से इतना दूर नहीं, तो मैं वहाँ जा रहे हैं, लेट्स गो। और आज का मौसम भी बहुत ज़्यादा मज़े का हुआ था, बारिश हुई है मेरे ख्याल से रात को, और हल्की हल्की हवा, और बहुत मज़े का मौसम हुआ होगा। तो चले आए, चलते हैं अयूब पार्क। एंड ऑलमोस्ट अभी 6:30 का थोड़ा टाइम होगा, 6:30 का टाइम, और अभी हम लोग जा रहे हैं अयूब पार्क। सो लेट्स गो, देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में। हम लोग इस वक्त देख सकते हैं सारा रोड सुनसान हुआ है, पीछे से भी कोई नहीं होगा, सुबह का वक्त है। सो ऑलमोस्ट सारे लोग अपनी मास्क के सो जाते हैं, बट मुझे भी आज जल्दी उठना पड़ा है। मेरा दिल चाह रहा था अयूब पार्क जाने का, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर। लाइन नंबर 3 से निकले हैं, तो नाउ वी आर हेयर। कुछ सुनसान सड़के एंड ये सारा अयूब पार्क है सामने, ये सारा अयूब पार्क है एंड सुनसान सड़के। और ओह माय गॉड, लेट्स गो। अभी हम लोग फुटपाथ पे चलते जा रहे हैं, और हमारे घर से अयूब पार्क बेसिकली इतना दूर नहीं है, बाकी थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आगे आ जाएगा। हाँ चलते हैं। मैंने बेसिकली अपना रोड चेंज कर लिया बिकॉज अयूब पार्क आ ही गए, एंड ये सामने उसके कुछ हाउसेस बने हुए हैं, बस ये आगे बनेंगे तो हमारा अयूब पार्क आ चुका है। मुझे इतना टाइम नहीं लगा, अबाउट 10 to 15 मिनट्स लगे होंगे, हाँ इतना ही लगा होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और हम लोग अयूब पार्क पहुँच चुके हैं, लिखा हुआ अभी वहाँ पर अयूब नेशनल पार्क। हम लोग पहुँच चुके हैं अयूब पार्क, अयूब नेशनल पार्क। ये एंट्री है इसकी, कैसे गेट नंबर 4 लिखा हुआ है। सो लेट्स गो। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, एंड यहाँ पर सारी पार्किंग है, पार्किंग लॉट का मैम। एंड यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ वो मिल जाएंगी, आगे जंगल वर्ल्ड है, बट हमारा जो मेन थिंग है हमारी है जॉगिंग ट्रैक। हम लोग चलते हैं यहाँ जॉगिंग ट्रैक पे, सो लेट्स गो। अच्छा, मीनवाइल जो मेरा जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह की है कि ना, मुझे जहाँ पर लोग कम हो ना सुबह के वक्त में, मुझे वहाँ मज़ा आता है। अगर लोग ज़्यादा हो तो मैं थोड़ा सा शाई फील करता हूँ, यू नो अबाउट आई एम इंट्रोवर्ट, तो इसलिए मुझे जहाँ पर लोग कम हो तो मुझे वहाँ अच्छा लगता है। तो ये इनका मेरे ख्याल से कुछ जिम एरिया है, यहाँ पर आप लोग आके जिम कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू दी जॉगिंग ट्रैक, लेट्स गो। मीनवाइल अभी यहाँ पे बंदे बहुत ज़्यादा कम है, एंड ये इसका एग्जिट भी है, यहाँ से आप लोग एग्जिट ले सकते हैं। मेरे ख्याल से जब ऐसे सुबह सुबह आते हैं ऐसे कहीं जॉगिंग करने के लिए यहाँ, और आपको ग्रीनरी दिखती है, सो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा फील होता है, एंड यू फील वेरी फ्रेश, आपको नेचर मिलती है। सो वैसे मैं रोज़ नहीं आता होता क्योंकि स्कूल का भी मसला होता, आज मेरा सैटरडे था तो इस तरह से आई हूँ, वरना मैं आज भी ना आता स्कूल होता आप। सो मगर मुझे लगता है आपको अच्छा फील होता है देख के, एंड यू फील वेरी फ्रेश एंड काम। सो देखिए यहाँ पर अभी सारी ग्रीनरी है ना, सो जैसे देख कर बहुत अच्छा महसूस होता है। आए हम जहाँ चलते हैं देखते हैं यहाँ पर क्या है। सो बेस्ट और सबसे बड़ी बात, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा, रात को बारिश हुई है, वजह से मौसम एक्सट्रीमली मज़े का हुआ है। सो मिनट में यहाँ से जाओ, जंगल ही है अयूब पार्क टोटली सारा। ये कुछ यहाँ पर खेलने के लिए कुछ झूले हैं, एंड शाम के टाइम पर ये जगह बिल्कुल फुल हो जाती है यार, बिल्कुल फुल हो जाती है। इसलिए शाम के टाइम पर जॉगिंग करने नहीं आते ज़्यादा अच्छा है। एंड अब हम चलते हैं यहाँ से, बिकॉज जगह बहुत सुनसान लग रही है, लेट्स गो। मेरे ख्याल से ये जॉगिंग ट्रैक है, देखिए डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस 100,000 मीटर एंड डिस्टेंस कवर 200 मीटर। सो लेट्स गो, इट इज़ अ ऑफिशियल जॉगिंग ट्रैक। हम जॉगिंग नहीं कर रहे हैं, हम वॉकिंग कर रहे हैं, सो आओ करते हैं जॉगिंग। एंड यहाँ पर पार्किंग भी है, इस साइड पे पार्किंग है, इसके बहुत ज़्यादा गेट हैं, सो उसके वहाँ पे पार्किंग है, वहाँ पार्किंग है, वहाँ पार्किंग है। एंड ऑल्सो एक बहुत बड़ा फैक्ट है इसके बारे में, ये है
कि अयूब नेशनल पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है एरिया के हिसाब से, और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 25% से ज़्यादा तो ये जंगल में ही है। आप देख सकते हैं जंगल ही जंगल है, एंड ये वॉक रोड है, तो अभी हम लोग यहाँ पर जाएंगे। मेरे में बहुत अर से बाद आया था, मैं बहुत ज़्यादा अर से बाद आया हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हम लोग कहाँ जाएँ और कहाँ ना जाएँ। सो हियर यू कैन सी द वॉक रोड। और यहाँ पर जो आवाज़ें भी आ रही है कानों में ना, चिड़िया की एंड खास से कोयल की, यहाँ पास जंगल वर्ल्ड भी तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आ रही है, तो सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग देख सकते हैं, यू हैव बीन वॉच्ड, एंड यहाँ पर पीछे सारा जंगल है, ऑलमोस्ट सारा जंगल है, पीछे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, सारा जंगल है। बहुत बहुत बड़ा पार्क है ये, एंड मेरा इतना अर्सा हो गया यहाँ पर आए हुए, हम लोग इतनी दफ़ा आए हैं, बट मैंने कभी ज़िंदगी में इसको पूरा एक्सप्लोर नहीं किया। मैं पूरा एक्सप्लोर करने में तो मन लेकिन जान निकल जाएगी, इतना बड़ा है, पिन बहुत ज़्यादा हुई है। देखिए अब एक पार्क के अंदर एक पार्क है, लाइक मिरेकल गार्डन, आ जाएँ इसके अंदर, हमारा वो ट्रैक तो आगे, लेकिन आए जाके देखिए आ जाते हैं क्या है इस मिरेकल गार्डन में। वहाँ पर कुछ बोर्ड्स भी लगे हुए हैं। ओ यहाँ पर आपको बर्ड्स मिलेंगे, ओ वाह, पानी कहाँ से आ रहा है, नहर है, साफ पानी है, ओ माय गॉड। आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, टर्की, हाउ आर यू टर्की, कैसे हो आप, वाइट पीकॉक, हेलो पीकॉक, एंड दीज आर दी सेकेंड वन। ये भी कोई ब्लू पीकॉक है, ये वाइट पीकॉक है, वो देखिए वाइट कितना खूबसूरत है। एंड इट इज़ ब्लैक शोल्डर पीकॉक। तो मैं अभी चल रहा हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम, मुझे अब कंप्लीट गाइड नहीं मिल रही, बट अभी फुल एनर्जी और अभी हम लोग जाएंगे आगे आगे, ये देख सकते हैं आप लोग। ओ वाओ इतनी अच्छी स्मेल है इनकी, सो गुड। जहाँ से हम लोग इंटर हुए थे ना, हम लोग बेसिकली अभी वहाँ से निकल रहे हैं जहाँ से हम लोग इंटर हुए थे। हम लोग उन सारी जगह से वहाँ से यहाँ आए हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा जंगल वर्ल्ड जो अभी इस वक्त बंद है। सिक्योरिटी बहुत टाइट है यहाँ की, सीरियसली। यहाँ पर ये इन लोग एड्रेस ज़ेब्रा, ये जंगल वर्ल्ड का दूसरा है गेट है। सफारी बारबेक्यू है, यहाँ पर बारबेक्यू पार्टी भी हो कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स है ना, हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। हेलो टाइनो, एलिफेंट, ऐसा बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गई हैं अंदर से ना, बियर देखें, मौसम में मज़े का हो गया। अब यहाँ चलते हैं, बेसिकली इट इज़ अयूब पार्क म्यूज़ियम, जाके विज़िट कर सकते हैं। कुछ बैठने की जगह भी है यहाँ पर, ये ख़वातीन के लिए है मस्जिद। और वो देखिए इतना बड़ा जहाज़ है, हेलीकॉप्टर। अच्छा मैंने मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है इस पार्क की, और वो ये थी कि आप किसी भी ट्रैक से निकलेंगे ना, खास से ये जॉगिंग ट्रैक है या वॉकिंग ट्रैक है, तो आप उसकी मेन जगह पे आ जाएंगे, ये अच्छी बात है। आप लोग किसी और जगह मिल जाएंगे, वहाँ से आप ख़त्म करेंगे अपना ट्रैक, आप लोग उसी मेन जगह पर आ जाएंगे जहाँ से आप गए थे। ये देखिए वाह, ये आगे हमारा ये आगे है, वैसे नीचे झील है, बंद किया हुआ इसको यहाँ से, ओ माय गॉड इतने मज़े की आवाज़ है पानी की। अच्छा लग रहा है यार देख के, सुन के, सॉरी, देख सकते हैं सारा बटरफ्लाई के लिए हुआ हुआ है। इनका है यहाँ पर बक्सा गजान आर्मी हेरिटेज फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स,
फूड कोर्ट द मेन थिंग। एंड यहाँ आपको ऐसे कोई कार्ट मिल जाएंगे जिसमें आप लोग जाकर पूरा जू पार्क घूम सकते हैं। हाँ, इसमें बैठ के घूम सकते हैं मेरे ख्याल से शायद। एंड ये देखिए यहाँ के किनारे, ये देखें, वाओ, अगर पानी साफ होते और क्लियर होता तो और ज़्यादा मज़ा आता, बट नहीं है। इन्हें एक बात नोटिस की है, जो मैंने आपके व्लॉग के शुरू में कहा था, जो मैंने कहा था इंट्रो में, हम लोग जा रहे हैं जॉगिंग करने के लिए यू पार्क। तो जॉगिंग तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुई, मेरे साथ आपको एक्सप्लोर करवा दिया बाय द वे, जॉगिंग बिल्कुल भी नहीं हुई क्योंकि यार मुझे मज़ा आया था घूमने, तो मैंने कहा अच्छा थोड़ी सी वॉकिंग, अच्छा वॉक होगी या जॉगिंग नहीं हुई, वॉक हुई अभी जितना मैं चल रहा हूँ कि वॉक ही हो रही है, बेशक मैं वॉकिंग ट्रैक पर चलूँ या फिर सीधे रोड पर चलूँ, ये वॉकिंग वॉकिंग ही होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोट्स मिल जाएंगे चलाने के लिए, आप लोग यहाँ पर बोट राइडिंग भी कर सकते हैं, ये वाली भी जो साइकिल बोट्स होती हैं हम ये भी चला सकते हैं। अभी इस टाइम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा यार, सब कुछ शाम पे डिपेंड ही है, सब कुछ शाम को होगा, सारी ऑडियंस शाम को ही आती है। एंड फाइनली धूप निकल गई, याहू, धूप भी निकल चुकी है। तो हम कोशिश करेंगे आहिस्ता आहिस्ता घर जाएँ, क्योंकि घर जाने का टाइम भी हो गया, ऑलमोस्ट 7:30 हो गए होंगे। यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा बैठते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। ओ शिट, मैंने बहुत गलत काम कर दिया, इस टाइम पे पानी गिरा हुआ था इनके ऊपर और मैं आके बैठ गया। चलो अब तो बैठ गया हूँ, आप क्या कर सकते हैं, वैसे शेड है ऊपर, पानी गिरना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी गिर गया, थक गया। धूप भी अपने ज़ोरों शोर से निकल चुकी है और ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि अब धूप निकल जाएगी। तो गाइस अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, पानी का यू पार्क से घर की तरफ जाएंगे। हमने स्नैक हाउस है और मैंने आपको पूरा का पूरा स्नैक हाउस टूर दिया हुआ है, स्नैक हाउस टूर का मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, स्नैक हाउस, या आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, या देखने की ज़रूरत भी नहीं है, मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का, आप लोग जाकर देख सकते हैं और आप जाकर पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं स्नैक हाउस। अब हम लोग जा रहे हैं घर आहिस्ता, और आप जो मैं सीधा जाऊँगा, मैं घर जाऊँगा क्योंकि 7:30 हो चुकी है, घर में क्या किया हूँ मैं, 8 PM तक आ जाऊँगा, 8 AM तक, सॉरी PM कहाँ पहुँच गया हूँ, 8 AM तक, आज 8 AM तक मैं घर आ जाऊँगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर, अब यहाँ से सीधा रास्ता जाएगा घर एंड फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, बाय बाय टू अ यू पार्क। सो गाइस अभी हम लोग इसके एग्जिट गेट पर आ चुके हैं, एग्जिट गेट भी वही है, अभी हम लोग वहाँ से एग्जिट करेंगे एंड सो यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। सो गाइस कैसा लगा आपको यू पार्क, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे कौन इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।